फीफा विश्व कप में गुरुवार को 4 मैच खेले गए, जिसमें कुछ टीमों का सफर खत्म हो गया तो कुछ ने जीत हासिल कर विदा ली। पहले मुकाबले में जहां कोलंबिया और सेनेगल को विश्व कप से बाहर जाना पड़ा, तो वहीं पोलैंड ने जापान को हराकर विजयी विदाई ली। तीसरे मुकाबले में भी बेल्जियम और इंग्लैंड के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में बेल्जियम ने एक गोल दागकर जीत अपने नाम की। उधर अंतिम मैच में पनामा विजय विदाई नहीं ले सकी। गुरुवार को पहला मैच कोलंबिया और सेनेगल के बीच हुआ था, जिसमें कोलंबिया ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में सेनेगल को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप से प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप मैच में कोलंबिया ने 3 मैचों में 2 पर जीत दर्ज करते हुए कुल 6 अंक अर्जित किए और अगले दौर में प्रवेश किया। दूसरी ओर सेनेगल को हार मिली और उसका सफर विश्व कप से खत्म हो गया। जहां पहले मुकाबले में सेनेगल को हारने के बाद कोलंबिया को आगे बढ़ने का मौका मिला, तो वहीं दूसरे मैच में तो पोलैंड से हार कर भी जापान प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जापान ने पोलैंड से 0-1 से मात खाने के बाद भी ग्रुप एच से प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दरअसल जापान को अंतिम 16 में जाने के लिए जीत या ड्रॉ चाहिए था, लेकिन मैच का अंत उसकी हार के साथ हुआ, मगर वो फेयर प्ले अंकों के आधार पर अगले दौर में जाने में कामयाब रही। वहीं दूसरी ओर अगले दौर की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी पोलैंड ने इस मैच में जीत हासिल कर टूर्नामेंट का विजयी अंत किया। दूसरे मुकाबले में जहां हार के बाद भी जापान के फैंस खुश हैं, तो वहीं पहले ही नॉकआउट में प्रवेश कर चुकी बेल्जियम ने भी अच्छे प्रदर्शन से फैंस को खुश किया। बेल्जियम ने फीफा विश्व कप में ग्रुप जी के अपने अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ बेल्जियम तालिका में 9 अंकों के साथ शीर्ष पर रही, जबकि इंग्लैंड को दूसरे पायदान से ही संतोष करना पड़ा। ये दोनों टीमें पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। गुरुवार को खेले गए मैचों में चौथा मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहा, जिसमें ट्यूनिशिया ने अपने आखिरी मैच में पनामा को 2-1 से मात देकर टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ किया। वहीं पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई करने वाली पनामा इस बड़े टूर्नामेंट में एक भी जीत हासिल किए बिना विदाई ले रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।